सारे फ्लैट ना एक जैसे लग रहे हैं, तो हम गलती से वाले में घुस गए और वहाँ किचन ही नहीं है। प्रियंका मेरे को बोल रही है किचन गायब है। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मतलब गुड आफ्टरनून हो रही है, मतलब गुड मॉर्निंग में गए थे स्टार्ट व्लॉग, आफ्टरनून में कर रहा हूँ। तो आज फाइनली दिन आ गया है कि हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको आगे चल जाएगा पता। तो पैकिंग हो चुकी है हमारी सारी और गाड़ी भी आ गई है नीचे, तो अब बस सामान जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। मैं और उमेश जा रहे हैं खाली, तो तब सामान पैकिंग चल रही थी हमारी कल से, और सामान बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत बहुत हो रही है पैकिंग करने में। तो जैसे वैसे करके कर ही दिए और बाकी सब डाल देंगे ऐसे। तो हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इस जगह को, मतलब ये वाले फ्लैट को। ये हमारा ईटिंग रूम था, ये लॉबी थी और बेडरूम, बाकी ये रूम, पूरा फ्लैट मिस करेंगे। तो अभी सब सो रहे हैं। अरे दो नए दोस्त हमारे, ले एक तेरा एक इसका, एक तेरा एक इसका। और शिफ्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है हमें, ये जो गाड़ी है ये फॉर्चून वाला हटा नहीं रहा है, कोई ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं हटा रहा है वो, और हमारी ये टेम्पो आ नहीं पा रही है यहाँ। ये तो हट जाएगी बाकी कार, वो फाइनली आ ही गई है। थोड़ा सामान तो आ गया अपना मेन। ओए ये देखना, सारे गाड़ी के अंदर घुसे हुए हैं, क्योंकि गर्मी लगती होगी ना इन्हें, तो गाड़ी के नीचे ठंडा रहता है। और इसमें आ ही जाएगा हमारा पूरा सामान। मेन फ्रिज ही था हमारा बड़ा, और चेयर थी, और मैक था मेरा, बाकी तो आ ही जाएगा। तो देखते हैं, अब तो लग रहा रात हो जाएगी देहरादून पहुँचने में। वेदर भी क्लाउडी हो गया लग रहा है, यहाँ भी बारिश आने वाली है। देहरादून में तो दिखाई रहा है आपको बारिश, बाकी अभी तो तेज़ धूप थी यहाँ, बाकी वेदर सही हो गया थोड़ा, तो सही है। शिफ्टिंग में थोड़ा कम दिक्कत होगी भैया और को भी। फाइनली जा रहे हैं हम अब, और सामान भी पैक हो चुका है सब। तो आदर्श भैया, ओ आदर्श भैया, तो जा रहे हैं, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है, बाय। सो जाओ आराम से भी, और अब इस घर को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, बाकी चलो फिर चलते हैं। क्या तू नहीं आ रहा? बाय। तू नहीं आ रहा? हाँ। चलो फिर मिलते हैं जल्दी। बाय, मिलते हैं। आपसे तो मुजफ्फरपुर में ही मिलेंगे, ठीक है। क्या तू नहीं आ रहा? पानी तो पिलाते चल जाने से, तू मत आइयो है। हाँ, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। ठीक है आज भाई, बाय। तो बाय बाय दिस फ्लैट, हमारा प्यारा फ्लैट, ठीक है। तो अब पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि आते और तो रहेंगे यहाँ, तो जल्दी आएंगे, मिलते हैं भाई। तो फिर चलते हैं फिर, आते रहेंगे, जल्दी जल्दी बस मिलते हैं। हाँ जल्दी मिलते हैं, बाय बाय कर दे। हाँ कर दिया, बाय बाय। हाँ क्या, ठीक से जा, चल ठीक है, बाय, खा पी के लिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और हल्की हल्की बूंदा पानी शुरू होगी, जैसे मैंने कहा था बारिश आएगी। तो चलते हैं, उमेश थोड़ी देर बाद निकलेगा। तो चल चल, बाय बाय। तो फाइनली निकल रहे हैं, और बारिश तो मौसम अच्छा हो गया, ये अच्छी बात है, तो सफ़र अच्छा कटेगा। बाकी मेन तो दिल्ली से निकलना, उसके बाद तो स्मूथ जाएंगे, दिल्ली में जाम मिलता है मेन। बाकी हाँ यहाँ छतरपुर को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, तो बाय बाय छतरपुर, मिलते हैं जल्दी, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि इतने और रहेंगे, बाकी चलते हैं हम आगे को सिरे। और छतरपुर से निकलते ही बारिश बिल्कुल तेज़ हो गई है एकदम रफ्तार से, तो मज़ा आ रहा है इंडिया इंडिया हवा में। तो ये देखो पूरी तेज़ बारिश हो रही, छतरपुर में एकदम धीमी धीमी हो रही थी, और यहाँ देखो और धूप आ गई है थोड़ी देर बाद ही, तो सही लग रहा है मौसम। इतनी लंबी लाइन लगी है सीएनजी के लिए, तो सीएनजी भरवा रहे हैं अभी, और इतनी लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कब कितना टाइम लगता है अभी। तो अभी हम रुके हैं ढाबे पे ब्रेक लेने के लिए छोटा का, वैसे यहाँ से रुक के अब ढाई घंटा रह गया है, तो घर जाके खाना तो खाना ही है, तो हल्का फुल्का स्नैक्स करें, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो सुबह से शिफ्टिंग ही कर रहे थे। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते।
फिर वहाँ से देहरादून निकलेंगे डिनर करके घर से। तो अभी देखते हैं, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है हर जगह, टोल पे भी इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बताओ जी। गाड़ियों की बहुत दिक्कत है, बिकॉज हम दूसरी बार रुके हैं भी CNG बनाने, और इतनी लंबी लाइन लगी है क्योंकि रुड़की में आगे कोई मेन सिटी में नहीं है CNG पेट्रोल पम्प। तो पेट्रोल पम्प तो है पर CNG पम्प नहीं है। तो अभी ये है हमारी गाड़ी और इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ से वहाँ तक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मेरे को लगता है आधा घंटा यहीं लगेगा, और फिर घर में घर जाके डिनर भी करना है, और वहाँ से निकलेंगे हम फिर देहरादून। और उमेश तो पहुँच चुका है घर पक्का, तो हमें भी लगेगा एक घंटा लगभग यहाँ से। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि देहरादून पहुँचते पहुँचते मेरे को लग रहा है 12 बजे आएंगे। लेट्स होप जल्दी जल्दी हो जाए सब, तो जल्दी चलते हैं। पेट्रोल पम्प बिल्कुल खाली है, और CNG की लाइन वहाँ तक रोड डबल डबल लगी है, वो भी होना चाहिए उत्तराखंड में भी CNG। फाइनली 11 बजे पहुँच गए हम घर, तो देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं, खाना पीना खा के गाड़ी लगा रहे हैं भैया अभी, क्योंकि निकलना भी पड़ता है, अभी निकलना पड़ेगा अभी। तो काफ़ी दिन बाद घर के अच्छा लग रहा है, तो अब करते हैं डिनर, और फिर निकलना भी हमें जल्दी से, तो डिनर करते हैं जल्दी, और फिर वहाँ जाके शिफ्टिंग भी करनी है, तो नींद भी आ रही है, थकान भी लग रही है, तो जल्दी से डिनर करते हैं और निकलते हैं देहरादून। और ये भी यहाँ पहुँच रखा था पहले, तो ये जाएगा भाई बाइक। क्या तू क्या बोल रही? तो अब जा रहे हैं हम फिर से देहरादून, खाना खा लिया है, तो जल्दी से निकलते हैं देहरादून। तो निकल निकल जल्दी। और ये हाईवे काफ़ी सही बन गया है, तो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं। और ये है पतंजलि योगपीठ। यार अब तो हमारी पेमेंट करवा दो शूट की, कब से अटका रखी है। रामदेव बाबा जी सुन रहे हो तो करवा दो प्लीज। फास्ट टैग से चीज़ बढ़िया होगी कि भीड़ नहीं लग रही है टोल्स में, जल्दी निकल जा रही है बाइक। और उमेश भी हमारे साथ ही चल रहा है उधर कहीं। और आज हम CNG के लिए तीसरी बार रुके हैं, और यहाँ भी पूरी रश हो रखी है लाइन, और उमेश भी यहीं है। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, गैस कोई दिख ही नहीं रहा भरते हुए, और हम भी रुके हुए हैं यहाँ अभी तक फंस गए। और फाइनली हमारा नंबर आने वाला है घंटे बाद, और यहाँ हमें रहते रहते 1 बज गए हैं। मेरे को तो लगता है देहरादून 3 बजे तक ही पहुँचेंगे हम, और शिफ्टिंग मॉर्निंग में ही स्टार्ट होगी। फाइनली हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं, तो यहाँ तो कहीं काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये महाकुंभ हुआ था अभी, तो उसी के टाइम की है। पहुँच तो गए हैं, बट अभी वेट कर रहे हैं प्रियंका का, क्योंकि उसे पता है कौन सा फ्लैट है, तो देखते कब आती हो। और ये है मेन शशधारा रोड, और ये मसूरी जा रही है सीधे, यहाँ से बस 33 किलोमीटर है मसूरी, तो मसूरी आधा जाना लगा रहेगा। तो यही है हमारी लोकेशन, टचवुड स्कूल है कोई देहरादून में, तो कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे बाकी जगह को, अभी तो फिलहाल फ्लैट मिल जाए बस, और सामान शिफ्ट हो जाए। ये पक्का यही है, यही यही है दोस्त। खुद ने खुद बोल गई कि और फाइनली हम मिल ही गए देहरादून में। यहाँ तो बड़ा ठंडा हो रहा है भाई, बहुत ही ठंडा है। हाँ हाँ बारिश देखा था मैंने वेदर। फाइनली पहुँच गए आखिरकार, जैसे तैसे ठीक है। सो अभी हमारे साथ इतना बड़ा पोपट हुआ, हम बगल वाले फ्लैट में घुस गए, क्योंकि अभी ब्रोकर वगैरह कोई आया नहीं है, तो हम सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब पहुंच रहे हैं, तो सारे फ्लैट ना एक जैसे लग रहे हैं। तो हम गलती से वाले में घुस गए, और वहाँ किचन ही नहीं है। प्रियंका मेरे को बोल रही है किचन गायब है, ये नींद में आ रही है वैसे, बोल रही किचन गायब है। मैंने बोला है किचन कहाँ गायब हो गया, तब पता चला ये वाला फ्लैट है हमारा, और ये कोई और है सेम, बट इसमें किचन नहीं है। आई थिंक ये पूरा ना सेल करने के लिए है, तो इसमें नीचे होगा किचन। नीचे 1 BHK है, ऊपर 2 BHK है, तो ये ऐसा कुछ फ्लैट है हमारा। तो अभी करते हैं जल्दी से सामान शिफ्ट,
पक्का उम्मीद सही है ना, कंफर्मेशन ले ली? हमारा मजदूर अभी बस फ्लैट पे सामान शिफ्ट ऊपर कर लिया है और वो भैया भी चलेंगे गाड़ी वाले, तो फिलहाल तो यहाँ पूरा मैस हो रखा है। आपको रूम टूर देंगे कल या परसों की वीडियो में, तो फिलहाल नहाते हैं क्योंकि सुबह से पसीना पसीना हो रखा है और नींद भी आ रही है, और अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो उठ के करेंगे जो भी करेंगे शिफ्टिंग वगैरह, बाकी अभी नहाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि नींद भी आ रही है, बहुत थकान लगी है। कल भी ढंग से सोया था, फिर सुबह ही आज 5 बजे सोया और जल्दी उठ गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सी यू ऑल फ्रॉम देहरादून टुमारो।